पाकिस्तान में कोरोना का क्या हाल है, आपके शहर में कोरोना का क्या हाल है और आसपास में कोरोना का क्या हाल है और हमें क्या करना चाहिए, हम उसी को लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। तो हम हिंदुस्तान की पहले बात करते हैं तो हम लोग 7 लाख के करीब पहुँच चुके हैं, 7 लाख केसेस के करीब हम लोग पहुँच चुके हैं कोरोना के। 19,000 से ऊपर लोग अभी मौत हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भयानक स्थिति कोरोना की बनती जा रही है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान तीसरा देश बन के निकला है जो कोरोना के मामले में रूस को भी पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर ब्राज़ील और तीसरे पर हिंदुस्तान पहुंच चुका है। लोगों में डर और भय का माहौल व्याप्त है। उत्तर प्रदेश में 8,000 से ऊपर एक्टिव केस हैं और साथ साथ हर दिन की जो मौत के आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश में कहीं से 300 किसी दिन 400 इस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं। बहुत डरावने आंकड़े हैं, लोगों में डर और भय का माहौल है। कहीं पर कई जगह देखने में मिल रहा है कि लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हैं, ना ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं। अब हम लोग करें तो करें क्या, प्रशासन की शक्ति ही इस समय इन सब गतिविधियों पर लगाम लगा सकती है और ज़रूरत भी है। जैसे हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था, लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन की तरफ हम लोग बढ़े हैं और प्रक्रिया चालू भी है और खोलने के लिए, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। अब सतर्कता की जरूरत है। और ललितपुर की हम बात करें थोड़ी सी, ललितपुर में पिछले 3 दिन में केस जबरदस्त तरीके से निकले हैं और 15 से ऊपर केसेस की बात सामने आ रही है। अब हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, खासतौर से जो ललितपुर में शहर के लोग हैं, क्योंकि शहर में केसेस ज़्यादा निकले हैं और ऐसे लोगों के केसेस निकल रहे हैं जो उन्हीं के साथ काम करते थे। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कहीं ना कहीं कोरोना हो रहा है। अब हम लोगों को मास्क बहुत ज़रूरी है, हाथों को सैनिटाइज करने की बहुत ज़रूरत है। घर से बाहर निकलें तभी निकलें जब आवश्यकता है। तो बड़ी एक विकराल रूप कोरोना लेता जा रहा है। ललितपुर में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आपके झांसी में भी एक दिन में 31 केसेस निकले हैं, वहाँ पर भी डर और भय का माहौल बन चुका है। झांसी के बाद आप टीकमगढ़ में जाइए, टीकमगढ़ में भी स्थिति ऐसी है, सागर की स्थिति भी ऐसी है, अशोकनगर की स्थिति भी ऐसी है। तो अगल बगल के जो ज़िले हैं वहाँ पर भी केसेस निकल रहे हैं और ललितपुर में भी केसेस बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन को सख्ती की ज़रूरत है और हो सकता है अगर जिला प्रशासन अपने कदम उठाए तो 2 से 3 दिन का लॉकडाउन भी कर सकता है। लोगों की इस प्रकार की मांग भी है। तो मैं आप लोगों के बीच में जो भी अपडेट होगी कोरोना की वो आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जय हिंद।